अगर मैं सच बताऊं तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कलेक्शन, इसीलिए नहीं क्योंकि सब पैसों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, इसीलिए क्योंकि कलेक्शन वो दर्शाता है कि कितने दर्शक आए हैं पिक्चर देखने, कलेक्शन वही है। और मैं जाहिर सी बात है मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा लोग ये पिक्चर देखें, लेकिन मेरे लिए सिर्फ कलेक्शन अकेले मायने नहीं रखता, मेरे लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि जो दर्शक आए वो अपने साथ कुछ ले जाएं, क्योंकि केदारनाथ करने के वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने साथ बहुत कुछ ले गई हूँ। तो उम्मीद है और प्रार्थना है कि लोगों के साथ भी यही हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मीठी कहानी है, सच्चाई और ईमानदारी से बनाई गई है, और अगर ये कुछ हद तक आपको प्रभावित करता है तो फिर मैं बहुत खुश होंगी। मेरे फादर को मुझे लगता है गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग उन्हें भी मैसेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैसेजेस कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के ज़माने में तो ये नेपोटिज्म की चर्चा बहुत बढ़ गई है, तो उसके बावजूद अगर मीडिया को और दर्शकों को मेरा काम अच्छा लग रहा है और मैं उस प्रेशर से ऊपर उठकर कुछ ना कुछ काबिलियत प्रूफ कर सकती हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ और लोग वो देख रहे हैं, तब तो दिल बहुत खुश होता है सर। एंड अगर और भी घर वालों को क्या रिस्पॉन्स, लाइक मॉम एंड करीना और भी आपकी फैमिली मेंबर में तो ढेरों सारे स्टार हैं, तो अगर मॉम तो ऑफकोर्स मैं पैदा हुई और उनको गर्व महसूस हुआ क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि दर्शकों का प्यार देखकर और रिव्यूज़ पढ़कर मॉम सचमुच लाइक खुशी के मारे पागल हो गई हैं। वो मैं तो दिल्ली में थी, प्रमोट कर रही थी मैं दिल्ली में, लेकिन वो मुझे मैसेज कर रही थी और हर वो रिव्यू का स्क्रीनशॉट दे रही थी जहाँ उन्होंने किसी ना किसी ने मेरा नाम लिया है, मेरा जिक्र किया है, और सब किसी ने बहुत ही प्यार से रिव्यूज़ लिखे हैं मुझे लगता है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जेनरसली मुझे रिसीव किया है लोगों ने। तो बस थैंक यू वेरी मच, एंड आई प्रॉमिस यू इससे आगे और भी ईमानदारी से और भी लगन से मेहनत से और काम करूंगी मैं। आंख मारे के बारे में अगर आप कुछ बताएं, क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं पिक्चर का ट्रेलर एंड गाने ही सिर्फ अभी तक। अरे पता है सर, मुझे तो रणवीर के साथ गाना शूट करने में तो बहुत ही मज़ा आया है, और अभी तो मुझे गाना देखने में मज़ा आ रहा है, जितने भी व्यूज़ आए उसमें से कम 100 व्यूज़ तो मैं ही होंगी क्योंकि मैं बार बार लगातार गाना देख रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा। और इस्पेशली क्योंकि ये गाना केदारनाथ के एक दिन पहले आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सचमुच ये बहुत अलग है, पूरी दुनिया अलग है। एक जगह पे आप ऐसे कर रहे हो, रो रहे हो, सुशांत उठा रहा है, दूसरी जगह पे नेहा कक्कड़ की आवाज़ में सीटी बजाए, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो अच्छी बात है सर, ये अच्छा वक्त है, और उम्मीद है कि अच्छा वक्त चलता रहे और मेहनत और लगन से मैं बस और अच्छे वक्त कमा सकूँ।